हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे होम्योपैथी दवा के विषय में, जिसका नाम है चाइना। इसको हम लोग सिनकोना भी कहते हैं। ये जो है किस बीमारी में और किस पोटेंसी में और किस ड्यूरेशन में यूज करना है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, चाइना होम्योपैथी की सबसे पहली दवाई है। पर इसी दवा को डॉक्टर हनीमन ने प्रूव किया, जो सिम्टम जो है ठीक होता है दवाई से, तो उसी दवाई से वो सिम्टम प्रोड्यूस भी होता है, जिसको बोलते हैं लाइक क्योर्स लाइक। तो इसी के आधार पर उन्होंने सारी होम्योपैथिक दवाई बनाई, अपने ऊपर प्रूव किया। उनके दोस्त, उनके अगल बगल वाले सब उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन जो है उसके बाद में उनको होम्योपैथी की जो है डिग्री मिली। असल में ये एलोपैथी डॉक्टर थे, लेकिन चाइना के प्रूविंग के कारण ये जो है दुनिया में नाम कमा गए। आज भी होम्योपैथिक जितनी भी विकसित हुई है, उनके जाने के बाद में इंडियन ड्रग्स बनी है, लेकिन उस पर जो है कोई खास महत्व नहीं है। दोस्तों, चाइना का पेशेंट जो है ऐसा होता है, एक समय बलवान था, हट्टा कट्टा था, एकदम पहलवान था, लेकिन किसी कारणवश किसी डिजीज के कारण सिंकिया पहलवान हो जाता है। इसका पेशेंट हमेशा डिप्रेशन में रहता है, हमेशा उदास रहता है, किसी काम करने की इच्छा नहीं होती है, बातचीत करने में उसको जो है गुस्सा रहता है। तो ये चाइना का जो है करेक्टिव सिम्टम है। जो दोस्तों, इसका पहला सिम्टम है, सबसे पहला कि लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, जैसे हिमरेज खून करने लगा, या जो है एक्सेसिव लैक्टेशन, अगर किसी लेडीज को दूध ज़्यादा निकल रहा है, या किसी को ज़्यादा डायरिया हो गया है, या सपुरेशन ज़्यादा हो गया, पस निकल रहा है, उससे क्या होता है कि वाइटल फ्लूइड हमारा शरीर का कमजोर पड़ जाता है और पेशेंट भी जो है कमजोर पड़ जाता है। तो ऐसे पेशेंट को चाइना 200 चाचा बूंद करके 3-3 घंटा पर 2 हफ्ता तक दे दीजिए, पेशेंट को एकदम से आराम हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम हेडेक पर है, हेड पर है। इसमें क्या होता है कि स्कल में जो है आपको ऐसा हेडेक होता है कि लगता है कि स्कल ब्रश कर जाएगा, और वो जो है सिर को जोर से दबाने से आराम मिलता है। तो ऐसा अक्सर हर घर में किसी न किसी को हेडेक रहता है, तो कल्पोल खा लेते हैं, पैरासीटामोल खा लेते हैं। तो ऐसे पेशेंट को अगर हेडेक बहुत तेज हो रहा है और दबाने से आराम मिलता है, तो उनको जो है आप चाइना 30 पावर में जो है 3-3 घंटा पर दे दीजिए, लगातार कुछ दिन तक दीजिए, तो उनका जो है इस तरह का हेडेक जो है अगर हमेशा होता रहता है, तो उनका हेडेक जो है ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है आई पर जो है, अगर किसी को मलेरिया बुखार है और डॉक्टर ने उनको कुनाइन लिख के दे दिया है, उनका बुखार ठीक हो गया है, लेकिन अगर कुनाइन ओवरडोज जो गर्भ में हो गया है, तो आंखों के सामने अंधेरा छाने रखता है, आंखों से कम दिखाई देता है या बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसे पेशेंट को, ऐसे केस में जो है आपको चाइना 200 पावर में 4 बूंद सुबह शाम लगातार 15 दिन तक ले लीजिए, तो आपको आँख की जो प्रॉब्लम है कम दिखाई देता है, इसको ट्रांजिट ब्लाइंडनेस कहते हैं, और कभी कभी बीच में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। ऐसे केस हैं बैड इफेक्ट्स ऑफ कुनेन, तो ऐसे केस में आपको चाइना दवाई जो है देनी चाहिए, तो कुनेन का जो बैड इफेक्ट है वो ठीक हो जाएगा, आपकी आँख की जो प्रॉब्लम है वो भी जो है नॉर्मल हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है कान पर जो है, ईयर पर। इसमें क्या होता है, जिसको बोलते हैं कान में आवाज आना, इसको बोलते हैं टिनिटस। तो कान में जो है जैसे कोई बाजा बजा रहा है, जैसे कान में कोई घंटी बजा रहा है, अगर आपको ये सिम्टम है, तो आप जो है चाइना 200 पावर में 4 बूंद सुबह शाम लगातार 15 दिन तक ले लीजिए, आपके कान की जो ये प्रॉब्लम है, कान में बाजा बज रहा है, कान में घंटी बज रही है, ये सब सारी समस्या आपकी जो है ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम दांत पर है, टीथ पर है, जिसको टूथे बोलते हैं। इसका जो खास बात यह है कि अगर हाथ से दांत को छूते हैं तब तो दर्द बहुत तेज करता है, लेकिन जो है दांत पर दांत रखकर दबाने से आपको आराम मिल जाता है। तो ऐसे दांत के सिम्टम में, ऐसे दांत के लक्षण में आप जो है चाइना 30 4-4 बूंद करके 3-3 घंटा पर ले लीजिए, क्योंकि इसमें सुबह शाम लेने से नहीं होगा, क्योंकि दांत का दर्द है, इसमें आपको रिपीट करना पड़ेगा दवाई जल्दी जल्दी, जिससे जो है दांत का दर्द ठीक हो जाए। तो आप समझ गए ना कि दांत तो हाथ से छूने से दर्द करता है, लेकिन दांत को दांत पर रखकर जोर से दबाने से आराम मिलता है। तो ऐसे सिम्टम में आप जो है चाइना 30 जो है 3-3 घंटा पर लगातार ले लीजिए, आपका 3-4 दिन के अंदर में दांत का दर्द जो है एकदम ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मैंने होता है एक निश्चित समय पर वो प्रॉब्लम होना, तो इसमें क्या होता है कि कंप्लेंट्स आर वर्स एवरी अदर डे। जैसे मलेरिया बुखार हुआ, आज मलेरिया बुखार हुआ, कल आपका बुखार उतर गया, परसों फिर बुखार आ गया, माने एवरी अदर डे। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे पेट का दर्द हो, चाहे डायरिया हो, चाहे डिसेंट्री हो, चाहे फीवर हो, चाहे कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो, अगर जो है एक दिन छोड़कर एक दिन वो बीमारी आती है, तो आपको जो है चाइना 200 4-4 बूंद करके सुबह शाम लगातार कुछ दिन दे लीजिए, आपकी जो है ये जो प्रॉब्लम है पीरियोडिसिटी की, ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम डायरिया पर है। इसमें क्या होता है कि जब आप मोशन करते हैं तो उसमें से बदबूदार गैस निकलती है, लेकिन पेट में दर्द बिल्कुल नहीं होता है।
और जो आपका स्टूल निकलता है वो होता है डाइट्रिक, माने जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो रात में खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में आपका जाना मस्ट है। तो इस तरह के डायरिया के केस में आप जो है चाइना 30 चार बूंद करके दिन में 3 बार लगातार ले लीजिए। आपका जो इस तरह का डायरिया है, पेट में गैस बनती है, उससे उसमें गंध आती है और स्टूल में जो है अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है और खाना खाने के बाद में आपको स्टूल करना जाना ही है, आप जाने के लिए बाध्य हैं, तो ऐसे केस में आप जो है चाइना लीजिए, आपको जो है ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है फीवर पर। इसमें क्या होता है कि फीवर आने के पहले आपको जो है बेचैनी हो जाती है और जो है अनइजीनेस फील होता है, और अगर बुखार जब आ गया तो बुखार में टेरेबल शिवरिंग होती है, माने आपको मलेरिया बुखार की तरह ऐसे कांपते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सब सारे सिम्टम मलेरिया बुखार में होता है। तो इंटरमिटेंट फीवर, मलेरिया माने इंटरमिटेंट फीवर। तो अगर ऐसा बुखार आता है, आपको शिवरिंग होती है, तो जो है आप चाइना 30 जो है चाचा बूंद करके 3-3 घंटा पर दे दीजिए, और बाकी अगर और प्रॉब्लम हो तो आप बीच में कल्पोल भी दे सकते हैं। लेकिन चाइना की मेन सिम्टम है कि बुखार आने के पहले बेचैनी रहेगी और जो है अनइजीनेस रहेगा और शिवरिंग रहेगी और ठंडा लगेगा। तो इस तरह के बुखार में पेशेंट को दे दीजिए, 3-4 दिन दे दीजिए, पेशेंट की जो है ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों होम्योपैथिक जो है एक अजीब मैकेनिक है, अजीब साइंस है। इसमें जो है जैसे आप समझिए कि नर्सिंग ऑफ द चाइल्ड, तो नर्सिंग ऑफ चाइल्ड के लिए डॉक्टर हनुमान ने एक पूरा अलग से चैप्टर बना दिया है। तो जैसे अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, नर्सिंग करती है, तो उस समय उनको अगर दांत में दर्द होता है, जैसे जो है कोटोटिक में होता है कि नर्सिंग करती हैं उनको जो है इस हड्डी में पीछे तक दर्द जाता है, तो वो कोटोटिक का सिम्टम है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसी समय माँ को टूथेक होता है, रेगुलर होता है। ऐसे महिलाओं को चाइना 200 चार बूंद सुबह शाम लगातार 2 हफ्ता तक खा लेंगे, जो दांत में दर्द होता है वो जो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसका अगला सिम्टम है स्टमक पर है, पेट पर है। इसमें क्या होता है कि पेट में गैस बन जाती है, पूरा पेट ढोर की तरफ फूल जाता है, ढकार से भी आराम नहीं मिलती है। आप जो थोड़ा जब चलेंगे फिरेंगे आपको तब थोड़ा कुछ आराम मिलेगा, लेकिन जो है पेट पूरा ढोर की तरफ फूल जाता है। तो ऐसे केस में आपको चाइना 30 चाचा बूंद करके दिन में 3 बार 2 हफ्ता तक लगातार ले लीजिए। आपका इस तरह का जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जो ज़्यादा गैस बनती है, न तो ऊपर जाती है न नीचे जाती है, आपका गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम जो ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है कि इसका पेशेंट जो है बहुत ही सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव टू टच। अगर उसको आप छूट देंगे तो भड़क जाएगा। सेंसिटिव टू पेन, पेन जो है इतना रहता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सेंसिटिव टू ड्राफ्ट्स ऑफ एयर, ठंडी हवा से परेशानी है। तो अगर पेशेंट को 3 चीज से एलर्जी है, सेंसिटिव टू टच, पेन एंड ड्राफ्ट्स ऑफ एयर, तो ऐसे पेशेंट को आपको जो है लगातार जो है चाइना 30 पावर में 4 बूंद सुबह शाम, क्योंकि जो है ऐसा केस है इसमें आपको 200 देने की जरूरत नहीं है, चाइना 30 4 बूंद करके सुबह शाम कम से कम 2 हफ्ता दीजिए, तो उसकी सारी प्रॉब्लम चाइना 30 से ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है फिर जो है पीरियडिसिटी पर। अगर एक दिन छोड़कर एक दिन कोई भी तकलीफ होती है तो आपको चाइना की जरूरत है। लेकिन अगर वो तकलीफ अगर प्रत्येक दिन एक निश्चित समय पर होती है, जैसे पेट में दर्द हुआ 8 बजे, तो आपको दर्द 8 बजे रोज सुबह होगा, कल भी 8 बजे होगा, परसों भी 8 बजे होगा, माने प्रत्येक दिन अगर वो सिम्टम जो है रिपीट करता है, तो ऐसे केस में आप जो चाइना 30 चार बूंद 3-3 घंटा पर जो है 3-4 दिन दे लीजिए, आपका पेट का इस तरह का जो दर्द है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है जब आप चलते हैं तो आपको चक्कर जैसा लगता है। हालांकि इस सिम्टम आपको हम बेदाडोना में बता दिए हैं कि चलने समय भी चक्कर आता है, इसमें भी सेम सिम्टम है, डीजी होन वॉकिंग। जब आप चलते हैं तो आपको लगता है चक्कर आ जाएगा, गिर जाएंगे, तो ऐसे सिम्टम में आप जो है चाइना 30 चार बूंद करके दिन में 3 बार कम से कम 1 हफ्ता तक ले लीजिए, तो आपका जो चलने के समय जो अनबैलेंस हो जाता है, चक्कर जैसा आता है, डिजीनेस होता है, ये आपका प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम नोज पर है। इसका सिम्टम क्या है कि जो है आप सुबह सुबह सो के उठते हैं, आपको सारा दिन काम करना है, आप सुबह उठते ही आपके नाक से खून निकलने लगा, तो आप परेशान हो गए, क्या करेंगे। अगर बाई चांस एक बार हो गया ठीक है, अगर आपको बार बार होता है कि सुबह सो के उठते हैं और नाक से खून निकलने लगता है, ऐसे केस में आप जो है चाइना 30 चार बूंद करके सुबह शाम लगातार 1 हफ्ता तक दे लीजिए। अगर ये सिम्टम है कि सुबह उठते ही नाक से खून गिरता है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों इससे संबंधित एक दवाई और है, अमोन कार्ब। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट उठेगा, नाक से खून नहीं गिरेगा, लेकिन जब चेहरा धोने जाएगा तब जो है नाक से खून गिरेगा, तो उसके लिए आपको अमोन कार्ब लेना है। लेकिन अगर उठते ही अगर नाक से खून गिरने लगा, चाइना जो है 30 पावर में लगातार 15 दिन तक ले लीजिए, ये जो है प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी।
दोस्तों इसका अगला सिम्टम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ये दवाई आपको घर में 30 पावर में या 200 पावर में हमेशा रखना चाहिए। अगला सिम्टम ये है कि वायलेंट ड्राई स्नीजिंग, छींक आ रही है लेकिन नाक से पानी नहीं गिर रहा है लेकिन छींक आ रही है, और वो भी वायलेंट, एक छींके, दो छींके, तीन छींके, कम से कम 20 बार छींक लगातार आपको आती है लेकिन फिर भी नाक से पानी नहीं गिरता है। तो ऐसे सिम्टम में आप जो है चाइना 30 चार चार बूंद सुबह शाम कम से कम 15 दिन तक दे लीजिए, आराम हो जाएगा, छींक ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है कि हम जब खाना खाते हैं तो हमारे खाने का स्वाद जो है बदल जाता है, खाने का स्वाद जो है साल्टी हो जाता है, साल्टी जिसको नमक बोलते हैं, माने नमकीन तरह होता है। तो खाने का स्वाद अगर नमकीन लगे आपको तो आप चाइना 30 सुबह शाम हफ्ता 10 दिन ले लीजिए, आपका खाने का टेस्ट बदल जाएगा, आपका खाने का टेस्ट नॉर्मल हो जाएगा, आपका जो साल्टी टेस्ट है ये आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम फिर स्टमक पर है, क्योंकि गैस की बहुत अच्छी दवाई है। इसमें क्या होता है, डाइजेशन स्लो होता है, खाना खाने के बाद में इसमें पेट नहीं फूलता है, इसके बाद जो है चाय पियेंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा, दूध पियेंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। माने चाइना का पेशेंट चाय भी नहीं पी सकता है, दूध भी नहीं पी सकता है, और खाना खाएगा तो उसको लगेगा कि हमारे पेट पर कुछ वजन भारी हो गया है। तो ऐसे पेशेंट को चाइना 30 रेगुलर चार सुबह शाम अगर खा लेंगे तो उनका जो डाइजेशन ठीक हो जाएगा और बाकी जो प्रॉब्लम है ये भी सब चाइना 30 से ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है तो इसमें हिचकी क्या होती है कि जो हमारे एब्डोमेन और स्टमक को जो बीच में एक डायफ्राम मसल होता है उसमें कुछ गड़बड़ जब हो जाती है तो हिचकी हमको आती है। दोस्तों हिचकी को आप नॉर्मल मत समझिए, हिचकी कभी कभी जो है हम ऐसा पेशेंट देखे हैं हिचकी कभी कभी जानलेवा साबित होती है, अगर हिचकी काफ़ी दिन से आ रही है। तो अगर किसी को हिचकी की प्रॉब्लम हो और लगातार है, पहले शुरू कीजिए 30 पावर से शुरू कीजिए, आराम हो जाएगा, तब हफ्ता में एक बार खाइए। हिचकी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, आपको 200 खाने से आपकी हिचकी ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको हिचकी के केस में स्टार्टिंग में 30 पावर से शुरू करना है और उसके बाद में 200 देना है हफ्ता में एक बार, तो आपकी हिचकी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है, अगर हम कोई भी फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट खाने से हमारा पेट खराब हो गया, जैसे आर्सेनिक में है, आर्सेनिक में फल खाते हैं और फल अगर कच्चा फल हुआ तब आर्सेनिक काम करेगी, और इसमें क्या है कि अगर आप जो कुछ भी फल खा लिए हैं आपको नुकसान कर गया तो आपको चाइना की ज़रूरत है। आप चाइना 30 चार चार बूंद करके दिन में 3 बार 3-4 दिन तक ले लीजिए, जो आपको फ्रूट से नुकसान होता है, फ्रूट से आपको एलर्जी है, ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसका अगला सिम्टम मेल पर है, इसमें स्पर्म डिस्चार्ज होता है, आपकी एज हो गई है, एज के अनुसार आपकी शादी नहीं हुई है तो महीना पर एक बार दो बार आपका स्पर्म जा सकता है, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोरिया। अगर जो है फ्रिक्वेंट इमिशन होता है, माने अगर दिन में एक बार हुआ, दिन में दो बार हुआ, या कल भी हुआ, परसों भी हुआ, और उसके साथ में कमजोरी आपको लगती है, तो ऐसे केस में आपको चाइना 30 चार चार बूंद दिन में 3 बार 3 हफ्ता तक ले लीजिए, आपका जो स्पर्मेटोरिया का जो प्रॉब्लम है, धात का जो प्रॉब्लम है, वो बीड़ निकलना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको चाइना के बारे में कुछ सिम्टम बताया, अगर आप हमसे कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप अपना पूरा डिटेल हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, इसको आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में, नमस्कार।